कवर्धा जिले में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। नक्सली बस्तर के बाद अब जिले के भोरमदेव अभयारण्य के जंगल को अपना सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। इसका खुलासा आज से 5 साल पहले मिले एक नक्सली दस्तावेज से हो चुका है। नक्सली यहां के सघन जंगल और पहाड़ों को अपने लिए सुरक्षित मान रहे हैं। सरकार ने नक्सलियों के खात्मे के लिए एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें MMC जोन के DVC मेंबर दीपक तेलतुंबड़े और सुरेंदर का जिक्र था। वहीं दीपक पर जहां 40 लाख तो सुरेंदर पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन उनकी चहलकदमी इस इलाके में लगातार बनी हुई है। यहां नक्सली कई वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। वहीं यहां के बैगा जनजाति के लोगों को नक्सली अपने पक्ष में करने के लिए उनका ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वे कम्युनिटी पुलिसिंग से लोगों को बरगलाने वाली सोच के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। पूरे गांव क्षेत्र में थाना प्रभारी सब कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जा करके नवयुवा युवतियों को समझा रहे हैं कि नक्सलियों के बहकावे में ना आए, और यानी कि जो छत्तीसगढ़ यानी कि जो शासन के जो स्वरोजगार से जुड़े हुए योजनाएं हैं उनका फायदा उठा के स्वरोजगार अपना सकते हैं।